करीब इन्नी गिनती हो चुकी है कि अज जो गिनती दसी जाएगी सतगुरु की बख्शिश नाल उम्मीद है कि वह लख पूरा हो जाएगा। यह लख की भर्ती किस वास्ते आपां कीती है कि यह लख की भर्ती करके कुछ चिंता मंडनिया हैं या किसी थान के उपर कोई किसी ने सौदा खरीदने वास्ते उपदेश देना है, इस वास्ते नहीं। आप अज जितने भी गुरसिख माई भाई इसे एकत्र होए हाँ सारे ने यह प्रण करना कि असी गुलाम रह के अपनी जिंदगी के दिन बतीत करने हैं कि जो गुलामी गलों ला के स्वतंत्र होकर जाना है। इस वास्ते आप इतने एकत्र होए हाँ। कई गुरमुख अखबारों वाले मिलते हैं, अज भी एक प्रेमी मिलिया से हुए हुए कह लगा संत जी जी लख की भर्ती अज हो गई है इसनों अगे प्रोग्राम तुहाडा की है। मैं भाई डिक्टेटर साहब जी दसणगे थाना थाना से आपको अपनी मर्जी नाल बयान देने ये सारे शुभ दे नहीं। कह लगा तुहाडे दिमाग में की है, मैं जो कणगी धर जी ने पाया उ है चुप करके मुड़ गया कहता कोई दिंदा नहीं। ये की कारण है उन्होंने लोगों के पूछण का, एक एक कारण है कि कहड़ा तरीका अपनाया जाए जिस तरीके पंथ केवता फेरू फेरू करके अपनी कुर्सी कायम रखी जा सके। इस चीज़ तो आपां नूं सारिआं नूं बहुत सावधानता नाल रहण की लोड़ है। जो थावां थावां ते पुलिस ने अत्याचार किए है कई वीर पिंडां विच नवें आउंदे आ कुछ दे संत जी सानूं तां गुलामी का पता नहीं। इहदे संबंध में मैं कुछ बेनतियां करनियां हन कि आपां गुलाम किवें हां। राम जेठमलानी सुप्रीम कोर्ट का बड़ा भारी वड्डा वकील है, सुब्रमणियम भी एक पार्टी का चंगा नुमाइंदा है, उन्होंने भी विचार हुई थी, उन्होंने भी यही प्रश्न किए सन कि तुसी गुलाम किवें हो, सिख वक्री कौम किवें है। उहदे कुछ प्रश्न उत्तर मैं तुहाडे चरण में जरूरी दसने समझदा क्योंकि अखबारों में खूब हो खबरां बहुतियां नहीं आउंदियां, जे आउंदियां तो कोई एक या दो अखबार दिंदे आ बाकी चुप वट लैंदे हन। खालसा जी पंडतों के घरे जमी बीबी जनता दियां लैके वोटां हिंदुस्तान की बनी प्राइम मिनिस्टर बीबी इंदिरा गांधी 1977 विच उहदे कीते कर्म अनुसार सुप्रीम कोर्ट का जज उसनूं कुछ दिनों की सज़ा दे दिंदा है। उसनूं भुगतण वास्ते तिहाड़ जेल चली गई, कोई चपेड़ नहीं मारी किसी ने, कोई जख्म नहीं होया, किसी ने कोई बेअदबी का अक्षर नहीं वरतिया। जज ने सज़ा दिती है पर उसके सहयोगी पांडे होने ने जहाज अगवा कर लिया कि साड़ी बीबी नूं कैद क्यों हो गई। वो अगवा करन तों सज़ा की मिली, एक नूं यूपी विच एक नूं बिहार विच असैंबली दी टिकट दिती गई MLA बनने वास्ते। दूजे पासे 14 सितंबर नूं चंडोकलां विखे जथे दीआं दो बसां उस विच सहिब सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दीआं पोथियां उपर तेल पा के हुकूमत दे कर्मचारियों ने भट्टी वर्गियां ने दो चार इन्हां नाल होर भी सेह हो जे पोथियां नूं अग ला दित्ती। उस तों पिछों दास ने 20 सितंबर नूं महते विखे संगत दे कथ विच गुरु की हजूरी अरदास करके गिरफ्तारी दित्ती। सारा 500 से इकट्ठा होया सी संप्रदायां जथेबंदियां भी शांतिपूर्वक गिरफ्तारी देने के बावजूद खालसा जी 1.5 दर्जन सिंह आतंकों वाले अपने भरा मौत के घाट उतार दिते। उसकी कित भी जो सुनवाई होंगी कौम के नौजवानों ने ना देखी, अपना हीला वरतन वास्ते सारी जनता का गौरमेंट का ध्यान इस पाप वाले पासे खिंचन वास्ते कि तुसी की कर रहे हो। जहाज अगवा किया गया तो उन्होंने पंजा सिंघां नूं भाई गजिंदर सिंह होनी जिहड़े पाकिस्तान विच बैठे है देश निकाला दिता गया ते नाल इह कहा गया कि इह साडे दोषी हन मुजरम हन
पेश किया जाए असि इन्हों मौत की सजा देनी है। पंडितों की बीबी वास्ते जहाज अगवा हो जाए तो कुर्सी, सिखा ने इष्ट वास्ते जहाज अगवा हो जाए तो देश निकालो, एक लड़की वास्ते जहाज अगवा हो जाए तो असेंबली रहायशी कमरा, सिखा ने इष्ट वास्ते 4 अगस्त को गुरबख्श सिंह जहाज अगवा कर लवे तो लत्त च टीका ला के लत्त गाली जाती है, उस वे पैर पुछता जो तरीक भी इतने। पंडित की बीबी वास्ते जहाज अगवा हो जाए तो देश भगती, पर जो सिख अपने इष्ट वास्ते रोस मुजहरा करने वास्ते जहाज अगवा कर लवे तो 20 अगस्त को मनजीत सिंह उर्फ मुसीबत सिंह राजा संसदी अड्डे से गोली मार के मौत के घाट उतारिया जाता है। ये गुलामी की प्रतख निशानी है। ना तो पांडे उन्होंने जहाज का कुछ बिगाड़िया, ना किसी अखबारी को दुख दिता, तो ना ही इन्हों तिना सिख अपने तीन टाइम से जहाज अगवा करने वाले सिखा किसी ने अखबारी से वार किया, ना जहाज का कोई नुकसान किया। पर विधान की है, पग वाले वास्ते गोली, पग वाले वास्ते जहरीला टीका, पग वाले वास्ते देश निकाला। पर जे हरे कृष्ण हरे राम राम कर लवे तो वो वास्ते कुर्सी, ये गुलामी की निशानी है खालसा जी। आ थोड़े दिन होए है संत जी स्टेज से बोले थे, सिंह उत्थे गया तो मैं चला जा नहीं सकिया। लहर सिंह नावा सिंह का लहर सिंह जत्तांवाली उर्फ रामनगर पिंड का नाम है, जिला फिरोजपुर फाजिलका तहसील उतों के बिछू राम, ना ही नवा ही सुनिया है, तुम भी नवा ही सुने होगा है, बिछू राम थानेदार ने वो अमृतधारी सिंह को पकड़िया, उन्हें किहड़ा पाप किया सी जिहड़ा आपां सारिआं ने किया, लंगोवाल ने किया, जरनैल सिंह ने किया, आ सतेज सैकटरियां ने भी किया, वो पाप की सी राह रुक मोर्च, उस पाप का वो भी भागी बनिया, उन्हें हिस्सा पाया है। पांच अपनिया बच्चियां ते घरवाली ते अपने समेत सत्तां जीआं दे खालसा जी ने राह रोकिया, 2.5 घंटे इकले ने कोई बंदा नाल नहीं, उन्होंने पकड़ के लै गए थाने, उन्होंने पूछा गया भी तू अमृत कितों छकिया है। मैं अगर भी कई बार बेनती की है, जो कोई पूछता है बंदियों के नाम ना लिया करो, कह दिया करो पंजा प्यारा तो छकिया है, पर कई सुभा पे है, मैं नहीं अकालिया तो छकया, मैं नहीं भिंडर वाले तो, पता नहीं उन्होंने वक्रे वक्रे क्यों समझ लग गए है, कोई कहना मैं कलेर वाले तो छकया, कोई किसी तो पंजा प्यारा तो अमृत छकता, कोई किसी मनुख तो अमृत नहीं छकता, जो किसी मनुख तो छकता वो अमृत नहीं। खालसा जी जदों ने ना लिया जथेदार और फड़ के दाढ़ी मुन दिती अमृतधारी सिंह जी, दाढ़ी मुन के इतने अमृतसर भेज दिता, तो नाल ये कह के भेजा कि जाके भिंडरांवाले को कह दे जो जोर लगता लाल है मुन्नी है। उन्हें मैनू दस दिता, गल स्टेज से चली गई, जे स्टेज उपरों किसी का नाम दस के मैं बोल देना, मुड़ के कहें भिंडरांवाले ने ना लिया दिता, फलाने फलाने की लिस्ट में आ गए, कोई चर्चा बड़ी चलती है। ये गुलामी की निशानी है कि सिख राह नहीं रोक सकता, शांतमई ढंग भी बाणी पढ़ता होया, हिंदू सिख एकता का नारा कौन सिख लाउंदा, लीडर भी लाउंदे आ, आपां भी सारे लाई जाने हैं, इत्थे सम्मेलन होया हिंदू भाइयों का, उन्होंने किनारे लगे कि हिंदू हिंदू भाई भाई, सिख का कोई नाम नहीं। पिछे जो कुछ समा होया इत्थे नारे लगे सी कच्छ कड़ा कृपान इनू भेजो पाकिस्तान, दुखी तिखी खह नहीं देनी, सिर ते पगड़ी रह नहीं देनी, हिंदू ये नारा ला दे तो देश भगती है। तो जो सिख का पुत स्टेज से खड़ो के कह दे कि असीं अपने भरावां का हक लैना वो दोषी है, ये गुलामी की निशानी है। 400 आ जाए मेरा 400 मिल पाएगा, मैं स्टेज से विखावगा, पर मैंने मिल नहीं सकिया कट के कारण। मोगे तो 400 रिहा होए है कतल के केस विचों झूठा बनाया सी, तो बाकी केसों में उन्होंने जमानत हो गई, अब इतने आए भी है। मैं बेनती कराँगा जे कि आवाज सुनता है जसवीर सिंह चुप की वाला तो दीवान की समाप्ति तक भी इतने पहुँच जाए तो दर्शन कर सके। हो अमृतधारी ग्रंथी सिंह मोगे इलाके से चुप की पिंड का नाम है, उन्होंने पकड़ लिया, वो कोलों कुछ भी बरामद नहीं होया, तो खालसा भी गुरुद्वारे का ग्रंथी है, उन्होंने ढाकर छाती उपर हिंदू छिपाही ने बैठ के बीड़ियां पीतियां तेरे मुंह चुकया।